यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइट। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइट के एक और ब्लॉग में। दोस्तों, आज दोबारा से हम हैं आपकी फेवरेट जगह बाबा लग्जरी कार, जहां पे हम आपको दिखाएंगे वराइटीज ऑफ लग्जरी कार। क्योंकि कल आपने देखी बहुत ही ब्रांड न्यू कंडीशन में इसुजू, दोबारा से आज हम एक स्पेशल गाड़ी आपके लिए लेके आए हैं बाबा लग्जरी कार के स्टॉक की, जिसे हम कहते हैं जैगुआर। क्योंकि यही गाड़ी है असली चीता, क्योंकि जैगुआर के भी अपने ही जलवे हैं। और ये जैगुआर इतनी लोडेड है कि समझ ही नहीं आता भाई लोग कितनी लोडेड है। लेकिन विजय भाई बताएंगे इस गाड़ी की पूरी डिटेल, और जानेंगे विजय भाई से क्या क्या फीचर्स गाड़ी में आते हैं, और कोशिश करेंगे जानने की कि ये गाड़ी एवरेज क्या देती है। क्योंकि आज पता करेंगे कि जैगुआर की जो टॉप लेवल की गाड़ी होती हैं उनकी माइलेज क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूँ 10 बजे तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को गाड़ियों की अपडेट पहले ही पता लग जाती है। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं @my_country_my_ride। और दोस्तों, आज का जो स्पेशल शाउटआउट है वो उस सब्सक्राइबर को जाता है जिसने हमारी वीडियो पर बहुत अच्छा कमेंट किया। तो द स्पेशल शाउटआउट गोज टू रमन अरोड़ा। थैंक यू सो मच भाई कि आपने माय कंट्री माय राइड की वीडियो पे कमेंट किया। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि ये जैगुआर किस कंडीशन में यहाँ पे खड़ी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आपका स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और ब्लॉग में। आज दोबारा से हम हैं बाबा लग्जरी कार पे, और हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही चहेते भाई, क्योंकि आज इस गाड़ी में बैठे हैं स्पेशल है, तभी इस गाड़ी में बैठ के हम भाई का इंट्रोडक्शन कराने हैं। तो विजय भाई, सबको अपने अंदाज में एक बार। तो भाई, अब इस गाड़ी के बारे में जानेंगे, ये गाड़ी जैगुआर की है कौन सी, क्योंकि इस गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल है। अल्टीमेट सबसे पहले ना इसका नाम बता दो भाइयों को। ये XJL जैगुआर XJL पोर्टफोलियो है, जैगुआर XJL पोर्टफोलियो। और इस गाड़ी की पोर्टफोलियो भी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही लोडेड है। सबसे पहले फ्रंट से पहले ना मैं इसकी बैक दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बैक से बहुत बड़ी लगती है गाड़ी। अब इधर आ जाओ। अब ये जो जैगुआर है XJL, और यही जैगुआर जो है वो बस ज़बरदस्त है, यानी सबसे ज़्यादा। कलर बताओगे क्या कलर है ये? ग्रेश कलर है। ग्रेश कलर है, बिल्कुल। वैसे करना तो नहीं चाहिए सवाल, लेकिन करे बगैर दिल भी नहीं मानता, आफ्टर मार्केट क्या लगाओगे है? इसका जवाब बहुत अच्छा है विजय भाई के पास कि क्या लगाओगे। ये गाड़ी की जो लंबाई है, हम लोग XF भी बहुत करी हैं आपके साथ हमने, इसमें और XF में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फर्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। अब इसकी आप साइड प्रोफाइल देखो, दूर से मिस्टर व्यास दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये गाड़ी कितनी लंबी है यार। इसमें एक चीज़ और है क्या, जो मैं आपको हाईलाइट कराता हूँ। कराओ कराओ कराओ, आओ आप पीछे आओ जरा। आज विजय भाई हाईलाइट कराने की बात कर रहे हैं, कुछ क्या हाईलाइट हो रहा है जी? ये गाड़ी XJL है, ठीक है, सब जानते हैं, बट एक इसका मेन जो रीज़न है वो L लगाने का। हाँ, XJ पास लिखा है, ठीक है, L थोड़ा दूर देख रहे हैं, ठीक है। XJ इसका वेरिएंट होता है, वैसे XJL बोलते हैं, ठीक है। L फॉर लिमोजिन, ओके ओके ओके, वेरी गुड नॉलेज विजय भाई ने दी, बहुत अच्छी नॉलेज। L स्टैंड फॉर लिमोजिन, और इसकी लंबाई भी लिमोजिन वाली है। इवन आप दूसरी गाड़ी में भी देखते होंगे जो टॉप वेरिएंट है, ऑडी A8L, ओके, वो सारा। सो L स्टैंड फॉर लिमोजिन, उस कैटेगरी। कितनी अच्छी नॉलेज दी हम विजय भाई ने हमको भी और आप सबको भी, जिन भाइयों को नहीं पता होता। अब L कभी कभी लीटर समझ में आता है, लेकिन इट्स लिमोजिन, तो वेरी नाइस। बूट सबसे पहले खोलेंगे इस गाड़ी का और जानेंगे कि बूट का क्या स्पेस है। अब एक बटन दबाया, देखो कोई मेहनत वाला काम नहीं है। तो भाई बूट स्पेस देखो इसका आप यार, यानी बिल्कुल साथ में फर्स्ट एड किट भी है उधर। अच्छा, ये बूट स्पेस काफ़ी है इसका, यानी बहुत ज़्यादा है। ये होगी यहाँ से बंद, अब बटन दबाया, कोई मेहनत नहीं करनी। अब ये तो देखिए, आपने पीछे से जो XJL है विजय भाई, उसकी जो शेप होती है वो जो लाइट्स की होती है वो यही आती है, यानी जो एक स्ट्रक्चर है पीछे का। हाँ जी, वही सबसे ज़्यादा फेमस है। अब ये देखो लाइट थोड़ी बहुत आपको देख रहे हो, LED लाइट्स के साथ है, फुल टेल लैंप पूरा LED है। LED है भाई। अब चलते हैं आगे और आगे से देखते हैं ये गाड़ी। भाई दिल्ली में ना बहुत गर्मी हो रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं हम, लेकिन मेहनत जारी है और करेंगे मेहनत पूरी आप सब भाइयों के लिए। तो अब आगे से देखो, अब आगे से ये जैगुआर, अब थोड़ी सी कोशिश करता हूँ मैं आपको लाइट दिखाने की। ये देखो फुली ऑटोमेटिक है गाड़ी, ये पूरी ऑटोमेटिक है फुली। इसके व्हील्स कितने बड़े होंगे, एक बार व्हील्स पे नज़र डालते हैं हम। अब आपके व्हील्स देखिए आप। वैसे तो इसमें भी ब्रांड न्यू टायर्स हैं। हाँ जी,
और इसके व्हील्स भी 19 इंच 19 इंच के अलॉय हैं। जैगवार की ब्रांडिंग इधर भी है उधर भी है सारी जगह है, लेकिन असली मज़ा ये वो वाली गाड़ी है जो मर्सिडीज़ की एस क्लास होती है, जैगवार की XJL होती है, यानी अंदर से जो लोडिंग्स है इसकी एस क्लास वाली है उससे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अंदर बैठते हैं क्योंकि AC चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी हो चुकी है बहुत, तो अंदर बैठते हैं और आपको बताते हैं कि ये जैगुआर किस कंडीशन में यहाँ पे खड़ी है। तो आइए अंदर आइए, साथ में इसमें आपको पैनोरामिक रूफ मिलता है, तो अंदर बैठ के देखते हैं ना। बिल्कुल, तो आइए अंदर आइए। ओके दोस्तों, तो अब आ चुके हैं विजय भाई जैगुआर की XJL, जो आपने बताया एल स्टैंड्स फॉर लिमोजिन। तो अंदर से वैसे हमने पहले भी बाबा लगजी कार के स्टॉक की कर रखी है नो डाउट, बट आज कलर थोड़ा डिफरेंट है, बट XJL आपकी हमारे साथ पहली है। हाँ, ये तो है, लास्ट टाइम राहुल के साथ करी थी, बट आप इसके फीचर थोड़े समझाएं कि क्या क्या है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि भाई सारे रेडी बैठे हैं। देखो सबसे ज्यादा तो आपको क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है, इसके ब्लोअर, सही बात है, एंड ये जो लेदर फिनिश है पूरी गाड़ी में, इवन यहाँ तक आप देख सकते हो पूरा जी। और सबसे ज्यादा जो बैठने के बाद अच्छा फील करता है ब्रांडिंग के साथ उसका वो जैगुआर। जैगुआर कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है इस गाड़ी के अंदर आगे बैठ के कि ये पियानो है। बिल्कुल, ये वैसे है। वैसे है तो ये पियानो फिनिश के अंदर ही, बट ये बहुत ही जैसे एक प्लेन होता है ना, कि मतलब बहुत प्राइवेट चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो इसके डोर भी हैं वो भी मतलब वो इतने अच्छी तरह प्रेजेंट किया हुआ है पूरा अंदर की, अंदर बैठते ही कैसे लगे कॉकपिट में ही बैठे हैं। सही बात है, बिल्कुल कॉकपिट वाली बात है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो हर किसी गाड़ी में ये जो ये डैशबोर्ड है ये डोर तक कनेक्ट इतना नहीं करता, बट इसका बिल्कुल यहाँ तक पूरा करता है। और स्टिचिंग क्वालिटी अगर आप इधर देखेंगे ये पूरा पूरा लेदर है, हाई क्वालिटी लेदर जिसे कहते हैं वो है, और यहाँ पे भी वही लेदर यूज है। और अगर आप ब्लोअर पास से देखना चाहते हैं तो यू कैन सी हियर क्रोम की काफी अच्छी इसके अंदर फिनिशिंग है, डिटेलिंग बहुत अच्छी कर रखी है। और जो सीट्स, तो ये टैन ही है सारी, ये पूरा टैन इंटीरियर में है। और इन सीट्स की भी खास बात है, क्या मसाजर मसाज देते हैं सीट्स, एक बार दिखाओगे वो जो फंक्शन मसाज का जो चलता है वो कैसे दिखती है सीटें, सीट्स का ऑप्शन देख रहे हैं। हाँ जी, इसको आप प्रेस करेंगे, अब ये देखिए सीट्स बनी हुई आ गई। बिल्कुल, ये लेफ्ट की ये राइट की। अब अगर जैसे समर्स है तो अपन इसको कोल्ड कर सकते हैं, ठंडी। बिल्कुल, ये आपकी तरफ की भी मैं कर दूंगा, एक प्रेशर हवा का प्रेशर आया होगा, ठंडा ठंडी हवा। हाँ ठीक है, इसमें ये कि जो टी शर्ट जो स्वेटिंग होती है गर्मी में वो बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल सूख जाएगी। और अब मैं मसाजर स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट इधर से, और ये आपके लिए पोजिशन ले लूँगा मसाज की, शुरू हो जाती है, फील होता है मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से कोई धक्के लग रहे हैं, बिल्कुल लहर टाइप एक चल रही हो, पुश लग रहा है। और ये पूरा मतलब अपर बैक से लेकर लोअर बैक पूरे को कवर करती है। अब ये देखो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स तो होनी होनी है, अब मसाज चल रही है, पीछे कर लो आगे कर लो ऊपर कर लो नीचे कर लो जैसे मर्जी कर लो। इसमें क्या है सारी सीट्स ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के साथ है ना, बिल्कुल चारों सीटों में, चारों सीटों में सारे फीचर हैं इसके अंदर। और साथ में आपकी मेमोरी सीट तो है यार, अगर मेमोरी अगर इंसान की हो ना बढ़िया तो मेमोरी सीट और भी बढ़िया लगती है। अब थोड़ा करीब आ जाए, काफ़ी सारे हमारी नई फैमिली है नया परिवार हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए हम दोबारा से बता सकते हैं, बाकी काफ़ी सारे भाइयों को हमने बता रखा है। क्रोम का ये देख रहे हो, हाँ जी पूरा, ये सब में भी कुछ ना कुछ है जैसे, अच्छा जी, ये पूरा शौकीन लोगों के लिए, स्मोकिंग स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बट स्टिल कंपनी देती है तो क्या करें। बिल्कुल, ये इसके खोलने के लिए देख सकते हैं, ये पूरा स्टोरेज है, अच्छा वाओ, विद मल्टीमीडिया इंफोटेनमेंट से USB ऑक्स भी लग जाएगी एंड चार्जर, सब कुछ इससे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सही है, बहुत सही है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा, इधर दो कप होल्डर, हाँ जी अपन दोनों के लिए, सही है। और ये इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक्स है, एक बार लगाना है इसे। बिल्कुल, अब ब्रेक दबाएं, ये देखो वहाँ पे आपको देखो पी का ऑप्शन आ गया, अब सामने पी का ऑप्शन आ गया, यानी ये गाड़ी बिल्कुल लॉक हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। अब रिलीज करना है तो इसको नीचे कर दें, नीचे कर दीजिए तो वो हट जाएगा। अब थोड़ा यार ये है इंटरेस्टिंग, ये जो है डब्बी है ना कटोरी बस ये कटोरी इंटरेस्टिंग चीज है। ये गियर नॉब जो मतलब काफी अच्छा है जो, अब ये देखो, अब दोबारा दिखा देता हूँ भाइयों को, गाड़ी में वो कर देता हूँ बंद, गया देखो अब ये गाड़ी बंद होगी, ये चलेगी। अब देखना एक पुश स्टार्ट करूँ गाड़ी को, अभी देखना कैसे ऊपर आएगा, अब ये देखना आप, ये देखिए वाओ ज़बरदस्त। काफ़ी सारे भाइयों को शायद, अगर जिनको नई नॉलेज है हम बता देते हैं, गियर कभी कभी कोई आम इंसान अगर कोई पहली बार जैगवार की इस गाड़ी में बैठता है किसी गाड़ी, तो वो सोचता है कि वेयर इज़ द गियर, क्योंकि यहाँ पे
कोई नॉब भी नहीं है, नॉब नहीं है, उस साइड भी नहीं है, उस साइड चलो कभी मर्सिडीज चलाई हो तो चलो यहाँ पे समझ आता है, वो यहाँ पे घुमा रहे हैं, वाइपर घूम रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल ही यूनिक चीज दे रखी है, बहुत ही अमेजिंग चीज है ये जैगुआर की। अब इसमें आपको दो मोड मिलते हैं, हाँ जी, एक तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, हाँ जी, और ये स्नो के लिए, ओके जी, मतलब स्नो में भी ये गाड़ी चल जाती है अच्छे तरीके से, निकल जाएगी। स्पोर्ट्स मोड भी है इसमें, बिल्कुल स्पोर्ट्स मोड तो हो गई, XJL है यार, वाकई PRNDS, उसके बाद पूरा एंटरटेनमेंट आ जाता है ऊपर, पूरा ये एंटरटेनमेंट प्लस टच स्क्रीन के साथ, फोर जोन एसी है इसके अंदर, बिल्कुल है, बिल्कुल मतलब हर सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर, सबके लिए अलग अलग, सही है सही है। और इधर आप देख सकते हैं जो जैगुआर की उनकी खुद की बनाई हुई, बहुत बढ़िया। और साथ में आप इधर अगर देखेंगे तो ये पूरा जो है डिजिटल क्लस्टर, ये पूरा डिजिटल एलईडी वाकी वाकी पैनल के साथ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि शायद देखने में भाइयों को आसानी हो, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, स्टीयरिंग ऊपर करना है नीचे करना है, तो आप पूरा देख सकते हैं पूरा का पूरा डिजिटल है। अगर हम इसे थोड़ी सी एक्सलेट करते हैं तो सुई भी देखना आप, सुई भी डिजिटल कैसे जाती है, देख रहे हो, ये देखो मतलब बहुत ही अट्रैक्ट करता है यार, 260 लिखा है इसके अंदर, ये तो 220 इजीली जाती है, हां इजीली इजीली जाती है, पावर अच्छी है इस गाड़ी की, अरे बहुत ज्यादा पावरफुल है, अच्छा बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा, अच्छा जी, मतलब है ना क्या कहूँ, मतलब जब चलती है ना ये फुल, जब आपको पता रहता है कि तेज चलानी है तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप फील करते हो इसमें, क्योंकि सेफ्टी वाइज भी ये बहुत अच्छी है, देखो हर पिलर्स पे आप देख सकते हैं एयरबैग्स एवरीवेयर, और लास्ट में भी हर रो में एयरबैग्स है, इवन डैशबोर्ड में भी दो एयरबैग्स हैं, वेरी गुड, पूरी सेफ्टी वाइज, सेफ्टी वाइज भी बहुत बढ़िया, सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, पैडल शिफ्ट तो होने ही होने हैं इस गाड़ी के अंदर क्योंकि धुआंधार है, तो पैडल शिफ्ट होने होने हैं, प्लस उधर आप क्रूज कंट्रोल भी देख सकते हैं, ओके जी, और इधर फोन कनेक्टिविटी के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और इधर आप स्क्रॉलिंग से जो नॉर्मल स्क्रीन के लिए आप स्क्रॉल कर सकते हैं दोनों साइड में, सब कुछ है, सब कुछ मतलब, और इवन जो वाइपर्स हैं वो भी ऑटोमेटिक है, मतलब जैसी रेन सेंसिंग वाइपर जैसे कहते हैं, रेन आएगी अपना वाइपर ऑन, अगर मैं बाल्टी से पानी मार दूंगा शीशे पे, क्या कहते हैं, यहाँ सेंसर इसका लगा हुआ है, तो पानी हुआ ना, बिल्कुल वो जैसे ही सेंस करेगा वाइपर चलने लगेंगे, यानी उसे पता नहीं जाएगा कि बाल्टी से पानी आया तो फेक पानी आया है वो नहीं, लेकिन नहीं बहुत अच्छी बात है। स्पीकर्स काफी बड़े बड़े मुझे दिख रहे हैं, स्पीकर्स बहुत पावरफुल है, मतलब इवन हर जगह भी इतने स्पीकर हैं, आप आगे ही देखोगे ट्विटर्स हैं, दो तो मतलब तीन ट्विटर्स के साथ तीन स्पीकर्स तो सिर्फ डोर्स पे ही है, बिल्कुल बिल्कुल, प्लस इधर डैशबोर्ड पे देखोगे ये सब वूफर है, ठीक है, पीछे भी आप विंडोज डोर्स में देखेंगे तो वहाँ पे भी स्पीकर्स है। प्लस एक चीज और अच्छी है इसका, ये जो सॉफ्ट टच जो ग्लोव बॉक्स है ओपनिंग, जस्ट आपको टच करना है एंड यू, वाओ यार ये कितना सही था, दोबारा करो एक बार, जस्ट आपको मतलब ऐसे टच मतलब ऐसा नहीं, ये ऐसे लगता नहीं है, वैसे बटन है, बिल्कुल एक बार मैं भी करना चाहूंगा, वाओ मतलब कोई दबाना भी नहीं, नो एफर्ट, जीरो एफर्ट और वो खुल जाएगा, और सेम चीज इसकी जो लाइट्स है सिर्फ आपको, अब जलेगी भी ऐसे, वाओ क्या सही मतलब है ना, कंफर्ट लेवल टू द पीक है। अब ये देखो, अब हम इसे थोड़ी सी ड्राइव पे लेके चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्पिन मारते हैं, फिर इसके पीछे बैठ कर आपको दिखाएंगे, सनरूफ इसके अंदर पूरा पैनोरामिक है, आई थिंक वो पीछे या डबल सनरूफ कहें इसे, इसको सनरूफ प्लस मूनरूफ, बहुत सही है बहुत सही है। तो आप ये देखिए, अभी अभी चलने के लिए तैयार है, और ड्राइविंग प्लेजर ऐसा है इस गाड़ी का कि मतलब सेडान में ये गाड़ी परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत आप देख सकते हैं रियर कैमरा भी है, लेकिन हम तो गाड़ी आगे चलाने, रियर कैमरा क्या स्टार्ट किया, अच्छा ये यार ये तो आप मैनुअली भी इसे स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा मैनुअली भी देख सकते हैं कि पीछे की क्या चल रहा है, जब हम चल रहे हैं तो पीछे का पूरा व्यू आ रहा है अपने को, अब जैसे आप बैक करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको सेफ फील होगा। तो अब इतनी सारी बातें तो कर रहे हैं, रिवर्स कैमरा भी है इस गाड़ी के अंदर, तो क्या कह रहे हो, क्या मॉडल है जी गाड़ी, ये 2012 मॉडल है, 12 मॉडल गाड़ी, 12 मॉडल। अब एक बात और बताओ, मैंने अपने भाई से बोला कि मैं आज विजय भाई से इसकी एवरेज कंफर्म करूंगा, क्योंकि ये जैगुआर की टॉप आती है, इससे ऊपर नहीं आती जैगुआर, नहीं इससे ऊपर नहीं, सेडान में, सेडान में तो सबसे टॉप है, क्या कहते हो फिर एवरेज क्या दे देगी, देखो ये डीजल गाड़ी है ना ये, हाँ डीजल गाड़ी है, हाँ और ये मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड एंड कम्फर्ट बेस्ड कार है, ठीक है, जनरली इसका एवरेज नोटिस कोई भी नहीं करेगा जब उसे ओन कर लेगा, क्योंकि ये इतने ज्यादा कंफर्टेबल है, और इवन कोई भी इसे यूज करेगा एवरेज भूल जाता है, बट फिर भी मैं आपको बता चाहूंगा इसका एवरेज काफी अच्छा है नॉर्मल सेडान कैटेगरी से, जो इसमें सेम सेगमेंट की आती है, नॉर्मली ये सिटी में 11 टू 12 का देती है, 10 प्लस, बिल्कुल 10 प्लस तो देती ही देती है क्योंकि डीजल है, 10 प्लस एवरेज बताई, मॉडल बताया, अब पीछे बैठ के स्पेस बताते हैं, फिर बताते हैं इसके पैसे, तो आइए पीछे आइए। ओके दोस्तों, तो अब आ चुके हैं जी जैगुआर की
XJL जो हम लिमोजिन कहते हैं जिसे, उसके अंदर पीछे से बहुत स्पेशियस है। इवन इजीली एक और बंदा आ सकता है, मतलब ये प्रॉपर 5 सीटर है। नहीं मतलब पीछे जो राजाओं वाले जो फील होता है, जो मतलब एस क्लास जो हम करते हैं बेसिकली, ये उसी सेगमेंट की गाड़ी है। प्लस ये थोड़ी सी ये अट्रैक्टिव ज्यादा है, फीचर्स थोड़े ज्यादा हैं यार। स्क्रीन्स है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर, ठीक है। इनफैक्ट आगे टेबल से लगा दे रखी है, क्रोम टेबल, पूरा क्लाइमेट कंट्रोल एसी दे रखा है, बिल्कुल ब्यूटीफुल। इवन पीछे भी आपको मसाजर मिलता है, हर चीज। क्या कहते हो फिर ये प्राइवेसी? अब ये कहाँ से खुलेगा, आप ही समझाएं क्या क्या है इसके अंदर। मुझे इतना पता है इसके अंदर एक टैबलेट है, एक जादुई मशीन है इसके अंदर। इवन यहाँ से भी आप खोल सकते हो, इधर से भी, दोनों तरफ से ये खुल जाता है। अच्छा, उसके बाद आपको मिलता है ये जादुई करिश्मा। भाई ये जो चीज है ना, ये चीज पूरा कंट्रोल, इससे आप पूरे स्क्रीन और सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आपको ज्यादा हाथ वाले इधर उधर नहीं करने, आपके हाथ में ये है। ये कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है जो फोन नहीं आते थे नोकिया के, वो उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उस फोन का, बट आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो फोन कुछ ऐसा ही होता था नोकिया का, पीछे जो आता था। पीछे से भी काफी स्पेशियस है और जबरदस्त का स्पेस है, सब कुछ पीछे मिल जाता है। मून रूफ है पीछे, ऊपर इधर मेरे ख्याल से लाइटें ही होंगी इधर। ये मिरर्स प्लस लाइट्स, वाकई वाकई काफी लाइटनिंग है। और मतलब कर्टन्स वगैरह लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सन के लिए। ब्रांडिंग जगुआर की देख रहे हो, काफी मतलब प्रीमियम फिनिश में है। सिगरेट के लिए यहाँ पे स्टोरेज भी मिल जाती है पीछे से, और बाकी काफी क्रोम का बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है यानी। और प्लस जो इसके स्पीकर्स हैं वो बोज एंड विल्किंसन के हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा साउंड क्रिएट करते हैं। 12 मॉडल के हिसाब से भी क्रोमो पे जंग नहीं लगते इनके, नहीं है? आप खुद देखो, इवन आज भी वही शाइन है जो उस समय, बिल्कुल चमकते रहते हैं, बिल्कुल वाकई। प्लस इसमें आपको इधर भी स्टोरेज मिल जाता है, ओह वाओ, इधर भी कप होल्डर, प्लस ऑक्स के लिए, यूएसबी के लिए, और वीडियो सपोर्ट के लिए, जो अपने तीन होते हैं, रेड व्हाइट येलो, बिल्कुल प्राइवेसी से लगा के, बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब ना हो, अपन देख सकते हैं वीडियोस जो स्क्रीन में है। तो भाई बहुत ही जबरदस्त है ये गाड़ी, जैगुआर की XJL, मजा आ रहा है इस गाड़ी को एक्सप्लोर करके। तो अब जो मेन मुद्दे की बात है, क्योंकि ये गाड़ी सेल पे अवेलेबल है बाबा लग्जरी कार पे, पहले वाली का आइडिया है मुझे, जो पहले वाली करी थी, बताओ, अंडर 30 लाख थी वो, बिल्कुल। अब ये भी अंडर 30 लाख ही होगी, बिल्कुल। 12 मॉडल है ये, और XJL पोर्टफोलियो जो टॉप वेरियंट आता है, 28 लाख रुपए। अब आपने 28 बोले तो कुछ तो कम करने पड़ेंगे। ये ना ये 10-5 करके ना वो मत कर देना, मेरा बिंगो मत करा, मेरा बिंगो खराब मत करना प्लीज। आज 10-5 नहीं करेंगे, आज पूरे 1 लाख कम करेंगे। 27 लाख, बिल्कुल। अरे बहुत बढ़िया, 27 लाख रुपए की है जिसकी डील, सन 2012 मॉडल है, और वो भी टॉप गाड़ी है जैगुआर की सेडान। तो अगर आप इस गाड़ी की डील को ग्रैब करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपनी गाड़ी बुक कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आपको गाड़ी ट्रांसपोर्ट भी करवा देंगे, और NOC वगैरह का एक बार डॉक्यूमेंटेशन का बता दें। NOC आपको, कोई सी भी अगर गाड़ी लेते हो तो NOC आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। हाँ जी। और लोकल ट्रांसफर अगर कोई लोकल ही लेता है, हाँ जी, उसके लिए भी ट्रांसफर पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल। फाइनेंस अवेलेबल है इस गाड़ी पे? फाइनेंस भी अवेलेबल है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो जैगुआर वैसे तो करोड़ों में ही आती है, वो तो है ही। तो भाई करोड़ों के सपने नहीं करने पूरे, गाड़ी वही लेंगे करोड़ों वाली, लेकिन पैसे कम खर्चेंगे और शौक करवाएंगे सबके पूरे, यही हमारा नारा है। प्लस एक चीज और है, क्या? जो मैं आपको पहले ही बताया था, पार्क एंड सेल की फैसिलिटी। अच्छा, वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं, बहुत बढ़िया। कि अगर किसी को पार्क करके सेल करनी हो गाड़ी, तो वो भी आप कर सकते हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पे रख जाइए, ठीक है, सेल होते ही हम आपको ऑप्शन है, ये बिल्कुल, ये ऑप्शन भी है। बहुत अच्छा ऑप्शन बताया कि काफी सारे लोग गाड़ी अपनी सेल नहीं कर पाते, अच्छी वैल्यू नहीं मिल पाती उन्हें, तो आप बाबा लग्जरी कार पे अपनी गाड़ी सेल भी कर सकते हैं और अपनी गाड़ी बाय भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो बहुत सही है, पार्क एंड सेल एक और चीज ऐड कर दिया आज विजय भाई ने। और एक चीज और है, जैसे आपने ये गाड़ी देखी, इसका फोटोज हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो माई कंट्री मैराइड मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम थैंक्स वॉचिंग माई कंट्री मैराइड, सी ऑफ, बाय बाय फ्रॉम बाबा लग्जरी कार, और एक बार बाय जरूर करते हैं, बाय जी।